बांग्लादेशी सेना ने लिखी शेख हसीना से बगावत की स्क्रिप्ट। आखिरी बार देश को संबोधित करना चाहती थी शेख हसीना, बांग्लादेशी सेना ने कर दिया मना। शेख हसीना पर देश छोड़ने का दबाव, आखिर किसके इशारे पर सेना ने दिया प्रधानमंत्री को गहरा घाव। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में चल रहे छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंसक प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल होने लगे और वहां खूब हंगामा करने लगे। इसी बीच शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने से पहले देश को संबोधित करना चाहती थी, जबकि ऐसा करने से वहां की सेना ने साफ तौर पर मना कर दिया और उल्टे प्रधानमंत्री को ही 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद वहां की सेना की नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ी है, लिहाजा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश की सेना ने आखिरी के 45 मिनट में शेख हसीना के साथ कैसा बर्ताव किया। प्रदर्शनकारियों को सेना की खुली छूट। उग्र प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ओर कूच करने लगी। इस दौरान हिंसक हो चुके प्रदर्शनकारियों को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और वे बेखौफ होकर प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ते गए। हद तो तब हो गई जब प्रदर्शनकारियों को सेना ने प्रधानमंत्री आवास में घुसने की खुली छूट दे दी, जिसके बाद भारी तादाद में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए। 45 मिनट में प्रधानमंत्री को देश छोड़ने का अल्टीमेटम। प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारियों को देखते हुए बांग्लादेशी सेना ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। देश को नहीं करने दिया संबोधित। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख हसीना देश को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन बांग्लादेशी सेना ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बांग्लादेश से निकलते समय सेना ने शेख हसीना के बैग की चेकिंग भी की थी। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ऊपरी तौर पर तो ये छात्रों का आंदोलन है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई और है? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो वहां की सेना को कंट्रोल कर रही हैं और बांग्लादेश की सेना उसी के इशारे पर काम कर रही है? इन्हीं सवालों के बीच बांग्लादेश में तख्तापलट की स्क्रिप्ट वहां की सेना के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है।